नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्ष द्विवेदी। फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट रामसर साइट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, वी विल डिस्कसिंग रामसर साइट्स ऑफ इंडिया इन दिस वीडियो। फॉर द पीपल एंड स्टूडेंट्स हु आर वॉचिंग इन इंग्लिश, सो देर विल बी नो इंग्लिश वर्जन हेयर। दिस आई एम गोइंग टू कवर इन हिंदी ओनली। रीजन फॉर दैट इज फ्रेंड्स दैट देर इज नॉट much of an explanatory part in this video. I just have to give some important information which is also written on the screen. If there would be very important information, I will recite it in English. So it will be small video, so the English speaking people can also watch this Hindi video. तो यहाँ देखिए friends, बहुत सारे आपको wetlands जो हैं वो दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको Buller Lake दिख रहा है, Okera wetland दिख रहा है, Surinsar Bansar दिख रहा है, Pong Dam दिख रहा है, Tosumurari दिख रहा है। तो आप इस पूरे map में आप देख सकते हैं दीपोर बील आसाम में है, लोकटक मणिपुर, ये रुद्र सागर लेक इज इन त्रिपुरा, ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स, भितरकनिका मैनग्रोव्स, चिल्का, कोलेरू। तो ये है आपके जो वेटलैंड्स है, जो हमारे देखिए वैसे तो इंडिया में 27,000 से ज्यादा वेटलैंड्स है। देर आर मोर देन 27,000 वेटलैंड्स, ये मैंने अपने पहले की वीडियो में भी बताया है। बट रामसर साइट्स आर 27 रामसर साइट्स हैं। देर आर 27 रामसर साइट्स इन इंडिया। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट देम। Some important fact about this thing is that the latest Ramsar site is Sundarbans, which was designated a Ramsar site in 2019. तो Sundarbans Forest Reserve को या Sundarban को आप जो wetland है उसको आप कह सकते हो कि ये एक Ramsar site बनी है 2019 में। अब सबसे पहले हम बात करेंगे Ashtamudi wetland की। Ashtamudi wetland is in Kerala, Kollam district में है। कौन सी नदी इसमें पानी डाल रही है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, चूंकि आप भूल जाओगे। नेशनल वाटरवे थ्रू इसके थ्रू पास, नेशनल वाटरवे थ्री इसके थ्रू पास होता है। सो नेशनल वाटरवे थ्री पासेस थ्रू दिस Ashtamudi वेटलैंड व्हिच इज इन केरला। देन अगला है भितरकनिका मैनग्रोव्स, जो कि ओडिशा में है। इसको 2002 में डेजिग्नेट किया गया था। भितरकनिका मैनग्रोव्स का एरिया है 650 स्क्वायर किलोमीटर और जो Ashtamudi वेटलैंड था उसका एरिया था 614 स्क्वायर किलोमीटर। सो दिस भितरकनिका मैनग्रोव्स इज इन ओडिशा। भितरकनिका मैनग्रोव्स के पास भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नेशनल पार्क भी है। और खास बात यह है कि इसके पास इंपॉर्टेंट एक चीज है जो है कहीरमठ मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि इस भितरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ईस्ट में है। और कहीरमठ बीच फेमस है क्योंकि वहां पे बहुत सारे ओलाइव रिडले सी टर्टल्स आके नेस्टिंग करते हैं, अपने एग्स की हैचिंग करते हैं। ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के लिए भी फेमस है। So basically this Bhitarkanika mangroves is in Odisha and near to it is also the Gahirmat Marine Wildlife Sanctuary which is also famous for olive ridley sea turtles. Agla hai Bhoj wetland jo aapka Madhya Pradesh mein hai. Ye 32 square kilometer ka area hai. Bhoj wetland ke baare mein important cheez hai. Bhopal city mein hai aur do lakes se milke banta hai ye Bhoj wetland. Ek Bhoj taal hai aur dusri hai lower lakes. 20,000 se zyada birds yahan pe annually aati hain. To ये इंपॉर्टेंट चीज थी भोज वेटलैंड के बारे में, उसके ज्यादा वो जरूरी नहीं है। सो भोज वेटलैंड इज बेसिकली इन मध्य प्रदेश इन कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेक्स, फर्स्ट लेक भोजताल है, सेकंड इज लोअर लेक। चौथा है चंद्रताल, हिमाचल प्रदेश में है। 0.49 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तो जो हमारे सबसे छोटे वेटलैंड है इंडिया में उसमें चंद्रताल वेटलैंड है, रेणुका वेटलैंड है। रेणुका वेटलैंड का एरिया तो केवल 0.2 स्क्वायर किलोमीटर है। चंद्रताल वेटलैंड का एरिया है 0.49 स्क्वायर किलोमीटर। जो सबसे बड़ा वेटलैंड है वो कौन सा है, सुंदरबंस वेटलैंड, जिसका एरिया है 4,230 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई फ्रेंड्स। सो आई हैव टोल्ड यू दैट चंद्रताल वेटलैंड व्हिच इज इन हिमाचल प्रदेश, इट इज एक्चुअली वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वेटलैंड्स ऑफ इंडिया। द स्मॉलेस्ट वन इज रेणुका वेटलैंड व्हिच इज आल्सो इन हिमाचल प्रदेश व्हिच इज 0.2 स्क्वायर किलोमीटर एंड चंद्रताल इज 0.49 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस चंद्रताल रेंज इज फ्रेंड्स, चंद्रताल रेंज के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इसके पास से ही चंद्रा रिवर निकलती है। अब ये चंद्रा रिवर लेकिन चंद्रताल से नहीं निकलती फ्रेंड्स, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चंद्रा नदी आपकी चंद्रताल से नहीं निकल रही है। ये इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, तो चंद्रताल की खास बात यह है, चंद्रताल भी इसको बोलते हैं, कि इसके पास एक सूरज ताल है, उस सूरज ताल से भागा रवि नदी निकलती है। और चंद्रा नदी जो कि इस चंद्रताल के पास से निकल रही है, चंद्रा और भागा मिलकर चंद्र भागा बनाती है, जिसको चेनाब भी बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आई जस्ट टोल्ड दैट दिस चंद्रताल नियर टू इट
The river originates, which is named as Chandra River, but Chandra River originates from a glacier, not from this lake. And near to this Chandra Tal, there is one Suraj Tal. And from that Suraj Tal originates the Bhaga River. And when this Chandra and Bhaga unite, they form the Chenab River. The next I am going to talk about is Chilka Lake. तो चिल्का लेक फ्रेंड्स ओडिशा में है आपकी, 1 अक्टूबर 1981 में बनी थी, 1165 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है चिल्का लेक के बारे में फ्रेंड्स, देखिए खास बात यह है चिल्का लेक की कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, उसमें जो सबसे पहली लेक नॉमिनेट की गई थी वो चिल्का लेक नॉमिनेट की गई थी। तो हमारी रामसर साइट्स में द फर्स्ट लेक वॉज चिल्का लेक, और चिल्का लेक इंडिया की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी रामसर साइट है। तो चिल्का लेक इज द थर्ड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया, 1165 स्क्वायर किलोमीटर्स। इट इज स्प्रेड अक्रॉस पुरी, खरदा एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट्स, एंड इट इज एट द माउथ ऑफ दया रिवर। इट इज एन इंपॉर्टेंट विंटरिंग ग्राउंड। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट चिल्का लेक, एंड ऑब्वियसली इट वॉज द फर्स्ट वन टू बी नॉमिनेटेड बाई इंडिया टू द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। फिर अगला है दीपोर बिल, ये आसाम में है, बस इतना याद रख लिए, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। तो दीपोर बिल इज इन आसाम। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेंड्स ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स की। ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स नाम से बता रहा है, वेस्ट बंगाल में, 125 स्क्वायर किलोमीटर का इसका एरिया है। आगे बढ़ते हैं हरिके वेटलैंड। हरिके वेटलैंड इज इन पंजाब फ्रेंड्स, ओके, एंड दिस हरिके वेटलैंड वॉज डेजिग्नेटेड एज अ वेटलैंड इन 1990। इट्स एरिया इज 41 स्क्वायर किलोमीटर्स। बीस और सतलज का जहां पे कॉन्फ्लुएंस होता है उसके पास है ये हरिके वेटलैंड, इतना आप समझ लीजिए बस। और खास बात ये है कि एक तरन साहिब डिस्ट्रिक्ट है, तरन तारब साहिब, सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, और एक फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब स्टेट में, दोनों के बॉर्डर के पास है ये आपका हरिके वेटलैंड, इसको हरिके लेक भी बोलते हैं, ठीक है। ब्यास और सतलज रिवर जहां पे मिलती है उसके पास ही है ये हरिके वेटलैंड। Then we will talk about Hokeru wetland. It is in Jammu and Kashmir, friends. 13.575 square kilometer. Okay, so this is Hokeru wetland. इसके बारे में अगर कुछ important information देखें तो देखिए झेलम के बेसिन में आता है ये Hokeru wetland और श्रीनगर से केवल 10 किलोमीटर दूर है। So one important information about the Hokeru wetland is, friends, that is it is in the basin of झेलम river and it is around 10 kilometers from श्रीनगर and obviously in Jammu and Kashmir. Next कांजली वेटलैंड के बारे में बात करेंगे। कांजली वेटलैंड आपका पंजाब में है फ्रेंड्स, इसका जो एरिया है वो है 1.83 स्क्वायर किलोमीटर्स और इंडिया का थर्ड नंबर का सबसे छोटा वेटलैंड है ये कांजली वेटलैंड। तो कांजली वेटलैंड इज द थर्ड स्मॉलेस्ट वेटलैंड ऑफ इंडिया, इट इज इन पंजाब। देन कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वेटलैंड विच इज कियोलादियो नेशनल पार्क। इसको हम लोग कियोलादियो घाना नेशनल पार्क भी बोलते थे और पहले इसका नाम था भरतपुर बर्ड सेंचुरी, क्योंकि ये भरतपुर नाम की जगह पे है राजस्थान में। 1981 जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसको सबसे पहले नॉमिनेट किया गया था लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑन इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में, 28.73 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और खासकर ये ऑर्निथोलॉजिस्ट के लिए बहुत प्रॉपर जगह है। ऑर्निथोलॉजिस्ट मतलब जो बर्ड्स की स्टडी के साथ डील करते हैं, तो जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं उनके लिए तो एक हेवन है। सो बेसिकली आई टोल्ड दैट दिस कियोलादियो नेशनल पार्क इज आल्सो नोन एज कियोलादियो घाना नेशनल पार्क एंड प्रीवियसली इट वॉज नोन एज भरतपुर बर्ड सेंचुरी बिकॉज इट इज लोकेटेड अ प्लेस भरतपुर इन राजस्थान। नेक्स्ट इज लाइन इज कोलेरू लेक फ्रेंड्स। Some important facts about Kolleru Lake. Actually, there are not many important facts about this Kolleru Lake. It is basically in Andhra Pradesh. Okay. And its square kilometer is 901. So, obviously, it is quite a big lake. Okay. And this is located in between Krishna and Godavari deltas, this Kolleru Lake. Next is Loktak Lake. Loktak Lake is very, very important. Now friends, why Loktak Lake is important? Why Kyoladio National Park is important? Loktak Lake and Kyoladio National Park is important because friends, when we talk about Montrix report, so in the Montrix record friends, there are two Ramsar sites of India which have their place in Montrix record. I have already talked to you about Montrix record in my previous video. So Kyoladio National Park and Loktak Lake are in Montrix record. So dekhiye Loktak Lake aur Kyoladio National Park dono Montrix record mein aate hain friends. Kyon aate hain Montrix report mein? Kyunki Montrix record aapka
रामसर की जो लिस्ट है ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का एक सब पार्ट है मॉन्टिक्स रिकॉर्ड्स के बारे में, पहले आपसे बात कर चुका हूं पिछली वीडियो में, उसमें जाके देखिए। फिर अगला नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी इंपॉर्टेंट क्यों है भैया? ये गुजरात में है, फ्रेश वाटर लेक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 2012 में इसको नॉमिनेट किया गया था, 123 स्क्वायर किलोमीटर की है और थार डिजर्ट के बीच में एक फ्रेश वाटर है, इसीलिए ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी। सो बेसिकली दिस नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी हु इज इन द थार डिजर्ट रीजन ऑफ राजस्थान, इट इज एक्चुअली अ फ्रेश वाटर लेक। पर अगली है पॉइंट कैलीमायर वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, बस इतना इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। वन ऑफ द लास्ट रेमिनेंट्स ऑफ ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, याद रह जाए तो ठीक, ना याद रहे तो ठीक। तो पॉइंट कैलीमोर बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु में है। आगे चलते हैं पोंग डैम लेक। ओके, नाउ दिस पोंग डैम लेक इट इज इन बेसिकली इन हिमाचल प्रदेश फ्रेंड्स। ओके, एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज एन इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस पोंग डैम लेक इज फ्रेंड्स दैट दिस इज एक्चुअली लोकेटेड ऑन ब्यास रिवर, क्रिएटेड इन 1975 and many species also winter. There are 220 bird species identified which are found here. It is 156.62 square kilometer. So basically this Pong Dam Lake is in Himachal Pradesh, 156.62 square kilometer and it is situated on Bees River. अगली जो हम बात करेंगे फ्रेंड्स वो रेणुका वेटलैंड के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी पहले बता चुका हूं सबसे छोटा वेटलैंड है इंडिया का, हिमाचल प्रदेश का है, 0.2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। So I have already told that Renukoa wetland, it is in Himachal Pradesh and the smallest wetland of India. Next we are going to talk about this Roper wetland. Roper wetland is in Punjab, 13.65 square kilometer area, nothing is special in it. Okay friends, so Punjab mein hai Roper wetland, 13.65 square kilometers ka area hai aur bhai Satluj river se paani ko direct karke, divert karke is Roper wetland ko banaya gaya hai. Aage chalte hain. रुद्र सागर लेक, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन फ्रेंड्स। देखिए इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव पूरा तब होगा फ्रेंड्स जब आप इन वेटलैंड्स की जानकारी को देखते देखते इन वेटलैंड्स की लोकेशन को आप इस मैप में भी देखते रहो। यहां देखिए जो रुद्र सागर लेक आपको नजर आ रही है ना, ये त्रिपुरा में है। तो जब आप इस तरीके से मैच करेंगे कि भाई ये जो चीजें हैं जो भी हम वेटलैंड्स पढ़ रहे हैं ये हमारे मैप में किस जगह पे है, जैसे सांभर लेक हो गई, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात में हो गई, होकेरू वेटलैंड आपका जम्मू एंड कश्मीर में हो गया, तो जब आप मैप के साथ साथ इनकी लोकेशन देखते रहेंगे ना, चीजें आपको ज्यादा याद रहेंगी। ऐसे आप सिर्फ यहां पे इसकी भाषा देखेंगे, सिर्फ यहां पे जो मैं बता रहा हूं इसको देखते रहेंगे तो शायद आप भूल जाएंगे। रुद्र सागर लेक त्रिपुरा में है, इट इज इन त्रिपुरा, जस्ट रिमेंबर दैट। सांबर सॉल्ट लेक राजस्थान में है, बहुत सारा सॉल्ट बनाया जाता है यहां से, दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। इट इज ऑल्सो अ विंटरिंग ग्राउंड, बहुत सारी बर्ड्स आके यहाँ पे विंटर करती हैं। सो बेसिकली सांबर लेक इन राजस्थान, इट इज ऑल इंपॉर्टेंट विंटरिंग एरिया फॉर बर्ड्स टू विंटर एंड इट इज ऑल्सो नोन फॉर मैनुफैक्चरिंग ऑफ सॉल्ट। Then the next lake we are going to talk about is Sastam Kota Lake, Kerala, 3.73 square kilometer. It is a freshwater lake in Kollam district. So friends, इसमें क्या है कि भाई Sastam Kota Lake है, ये केरला में है, 3.73 square kilometers का area है और कोलम डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। अगली लेक की हम बात करेंगे तो सुरिनसार मंसार लेक जम्मू एंड कश्मीर में है, 3.5 square kilometers का area है, बस इतना important है। अगला तुसुमरोरी लेक जम्मू एंड कश्मीर में है, 120 square kilometer area है, बस इतना याद रखिए। आगे चलते हैं, ये अपर गंगा रिवर ब्रिजघाट से लेके जो नरोरा का स्ट्रेच है, अगर आप इसको देखना चाहेंगे मैप में फ्रेंड्स तो यहां पे आपको ये नजर आ जाएगा समवेयर हेयर अपर गंगा, यहां पे है ये वेटलैंड। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंस बस इतनी है कि इसको याद रखिए। अगर आप इन वेटलैंड्स में केवल इतना भी याद रख पाए कि भैया आपके सामने मान लीजिए ऑप्शंस में नाम आ गए, तो अगर आप इतना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वेटलैंड रामसर लिस्ट में है कि नहीं है, प्लस ये वेटलैंड किस स्टेट में है, इतना भी आपको याद रख गया तो इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाएगा। 2005 में इसको बनाया गया था अपर गंगा रिवर के वेटलैंड को, जो ब्रिजघाट से नरोरा का स्ट्रेच है उत्तर प्रदेश में। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट वेम्बनाड कोल वेटलैंड इन केरला। वेम्बनाड कोल वेटलैंड हमारे इंडिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा वेटलैंड है सुंदरबन के बाद, 1512.5 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है, 2002 में इसे बनाया गया था। भैया केरला का लार्जेस्ट वेटलैंड है, अलपूजा कोट्टायम अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट सब इसमें आती हैं। अलपूजा को एलेप्पी भी बोलते हैं फ्रेंड्स, अगर आप कभी केरला घूमने जाओगे ना तो आपसे बोला जाएगा कि आप एलेप्पी जरूर जाओ, क्योंकि एलेप्पी में बैक वाटर्स हैं और वहां की हाउस बोट बहुत फेमस है, तो लोग वहां पर जाके रात में हाउस बोट में रुकते हैं। तो
तो ये पूरा जो हाउस बोट है और जो पूरा वाटर इकोसिस्टम है ना, वेम्बनाड कोल वेटलैंड का पार्ट है। सो फ्रेंड्स, आई वाज सेइंग दैट दिस वेम्बनाड कोल वेटलैंड इज द सेकंड लार्जेस्ट वेटलैंड, रामसर वेटलैंड ऑफ इंडिया। इट्स एरिया इज 1512 स्क्वायर किलोमीटर फ्रेंड्स, एंड इट्स स्पैन्स अलपुज़ा, कोट्टायम एंड अर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट्स। दिस अलपुज़ा इज बेसिकली एलेप्पी, दिस एलेप्पी इज अ प्लेस इन केरला। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू विजिट केरला, एवरीबडी विल से यू दैट यू शुड गो टू विजिट एलेप्पी, बिकॉज इन एलेप्पी देर आर बैक वाटर्स ऑफ केरला, एंड इन दोज बैक वाटर्स हाउस बोट्स आर देयर, सो यू आर गोइंग टू गो टू दोज हाउस बोट्स एंड स्टे इन दोज हाउस बोट्स। सो दैट इज अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन देयर, सो दोज आर अ पार्ट ऑफ दिस वेम्बनाड कोल वेटलैंड। देन द नेक्स्ट थिंग, अगले है वूलर लेक, जम्मू एंड कश्मीर में है, 189 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। फिर सुंदरबन वेटलैंड, आपको बताया था फ्रेंड्स 1 फरवरी 2019 को इसको वेटलैंड बनाया गया, वेस्ट बंगाल में है, सबसे बड़ा वेटलैंड है, सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है, न केवल इंडिया का पूरी दुनिया का फ्रेंड्स। तो 4230 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो यहां पे मैंने सब कंप्लीट कर लिया फ्रेंड्स, वेटलैंड से रिलेटेड इतना ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतना भी याद रख पाए तो इट इज मोर देन इनफ, इससे ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स के थ्रू बताइए वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, खासकर अपनी इंस्टा फेसबुक प्रोफाइल पर शेयर करें। सो थैंक यू फॉर फ्रेंड्स, पढ़ते रहिए।